सीताराम रहीम को रेप के मामलों में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला हिंसा के मामले में डेरा सच्चा सौदा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने एमकेस क्यूरी अनुपम गुप्ता से कहा कि हाई कोर्ट को बताए कि इस नुकसान की किससे और कैसे भरपाई करवाई जा सकती है, जिस पर केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने हाई कोर्ट को बताया कि डेरे पर आयकर विभाग की 350 करोड़ की देनदारी है। दंगों के बाद हाई कोर्ट के आदेशों पर आयकर विभाग ने डेरे की सभी संपत्तियों और बैंक खातों का आंकलन किया था। डेरे को आयकर से दी गई छूट को वापस लिए जाने के बाद आंकलन किया गया। इस मामले में आयकर विभाग हाई कोर्ट में पहले ही अर्जी दायर कर चुका है, क्योंकि डेरे की संपत्ति को पहले ही अटैच किया जा चुका है। ऐसे में आयकर विभाग ये देनदारी वसूल नहीं कर पा रहा है। हाई कोर्ट में पंजाब एडवोकेट जनरल के नहीं रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में एसी पंजाब को कोर्ट में होना चाहिए था। उन्हें 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है। बता दें कि पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में डेरा समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी में 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसमें से 18 करोड़ का नुकसान निजी संपत्ति का किया गया था। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।